गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने आपको कार्नो इंजन कराया था और कार्नोट इंजन में मैंने आपको बताया था कि कैसे वो प्रोसेस पूरा साइक्लिक होता है। ओके, वन सेकेंड वेट कीजिए। मैंने कुछ पूछा है आप लोगों से चैटिंग में, प्लीज कैन यू टेल मी। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? देखिए, चलिए, मैंने आपको कल एक प्रोसेस बताया था जिसमें मैंने कार्नोट इंजन का प्रोसेस था वो, और उसमें मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू वो से समझाया था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ ए होता है जिसकी VA और PA होती है, एंड ये प्रोसेस यहाँ आता है, तो यहाँ पे आने के बाद में B आ जाता है पॉइंट, और ये VB PB हो जाता है, एंड यहाँ से आगे यहाँ आता है, और ये C पॉइंट पे VC PC हो जाता है, एंड अगेन ये यहाँ पे डी पॉइंट आता है, और ये हो जाता है वीडी पीडी, एंड फिर ये अगेन वापस आ जाता है। फिर मैंने कहा था ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, ओके, है ना, और ये आपका होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ओके, और ये होता है आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड ये है आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था ये T1 केल्विन रहता है, ये T1 केल्विन होता है, ये T2 केल्विन होता है, एंड ये T2 केल्विन होता है, ठीक है। इतना कल मैंने आपको बताया था, और फिर मैंने कहा था कि ये डायग्राम आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आना, ओके। तो चलिए आगे बताती हूँ मैं। अब देखिए, फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, फर्स्ट, है ना। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में बेटा हम लोग वर्क डन निकालेंगे, ओके, W, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ए से बी तक का ग्राफ है ना, तो ये हो जाएगा ए से बी पी डी वी, यही तो होता है वर्क डन। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो W, और डी डब्ल्यू क्या होता है? पी डी वी, तो पी डी वी का इंटीग्रेशन कर दिया, कहां से कहां? ए से बी में, फ्रॉम रियल गैस इक्वेशन क्या कहती है कि पी वी इक्वल्स टू आर, और टेम्परेचर कितना है? 1, है कि नहीं। तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? RT1/B। तो ये P की वैल्यू हम यहाँ पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? RT1/V dV A से, एक मिनट बेटा, VA से VB, क्योंकि A B तो कुछ है ही नहीं ना, DV के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए VA से VB, VA से VB, ठीक है। तो यहां से आप जब इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा? देखिए, आज एक जना कम है, कौन कम है बेटा? ठीक है, तो देखिए यहां से अब RT1 तो क्या है आपका? कांस्टेंट, T1 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, 1/V dV कितना हो जाएगा? log V, VB से VA, ओके, तो यहां से ये आएगा आपका W इक्वल्स टू RT1 log VB माइनस VA, यही तो होता है, और log VB
log b minus log a log vb upon va, ठीक है, e में. तो w equals to कितना आ जाएगा? अब देखिए यहाँ बेस कितना है, e, हमें पावर बेस 10 में चेंज करना है. तो जब बेस में 10 चेंज करते हैं तो 2.303 rt1 log 10 vb upon va, ये आ गया आपका w1, क्योंकि w1 क्या है, a से b तक ले जाने में जो आपका वर्क डन है वो है. और वो कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है. तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन निकल गया. सिमिलरली हम चारों प्रोसेस के लिए निकालेंगे, इस प्रोसेस के लिए भी, इस प्रोसेस के लिए भी, और इस प्रोसेस के लिए भी. फिर देखिए जब हम चारों प्रोसेस के लिए निकालेंगे तो हम टोटल वर्क डन निकालेंगे. उसमें क्या करेंगे, W1 plus W2, W3 और W4, इन चारों को ऐड कर दोगे तो टोटल रिजल्टेंट आपका वर्क डन आ जाएगा. तो अभी तो हमने केवल फर्स्ट प्रोसेस के लिए निकाला है जिसका नाम क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हमने वर्क डन निकाल लिया. सिमिलरली अब सेकेंड के लिए निकालेंगे. ये सब आपके नोट्स में है, आप अपने नोट्स में देख सकते हो, ठीक है. तो देखिए सेकेंड प्रोसेस क्या है आपका, सेकेंड प्रोसेस है एडियाबेटिक एक्सपेंशन. सेकेंड प्रोसेस का नाम क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है. तो देखिए इसमें भी वही वर्क डन जिसे हम किसे शो कर सकते हैं, W2 से, ठीक है. कहां से कहां तक का प्रोसेस है, VB से VC तक, VB से VC तक, यही तो W2 आएगा, ठीक है. वही फिर PDV, ओके. बट ये कैसा प्रोसेस है आपका बेटा, आपका ये एक्सपेंशन प्रोसेस, सॉरी एडियाबेटिक प्रोसेस है. और एडियाबेटिक प्रोसेस में जो आपकी इक्वेशन होती है फ्रॉम एडियाबेटिक प्रोसेस, इक्वेशन होती है आपकी पीवी गामा बराबर के. क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है, पीवी गामा इक्वल्स टू के? कैन यू प्लीज टेल मी, आप लोगों ने एडियाबेटिक के लिए पीवी गामा, आई थिंक आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ओके. तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो आपका पी और वी में रिलेशन आता है वो होता है पीवी गामा. गामा इज द रेशियो, है ना, सीपी वाई एफ सी वी होता है, और के यहाँ पे आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है. तो पीवी गामा, PV gamma equals to K. तो P equals to कितना आ जाएगा, K upon V gamma. V gamma इधर आ गया, तो ये आ जाएगा KV minus gamma. Then put the value P from in equation number 2. इसको डाल देना A. ठीक है, ये equation number 2. तो W2 equals to P, देखिए VB से VC. तो यहां से P जब जाएगा तो ये देखिए KV minus gamma DV. Okay? अब देखिए आगे के वी माइनस गामा डी वी. तो अब यहाँ के तो कॉन्स्टेंट है, वी का इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या आएगा, वी माइनस गामा प्लस वन माइनस गामा प्लस वन, ये हो जाएगा वी बी से वी सी, ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करिए, के अपॉन वन माइनस गामा प्लस वन को वन माइनस गामा लिख दिया मैंने. अब यहाँ पे वी सी लिखिए, वी सी माइनस गामा, सॉरी वी सी वन माइनस गामा लिख दो, बात तो एक ही है, माइनस गामा प्लस वन हो चाहे वन माइनस गामा है, माइनस का वी भी पुट कीजिए यहाँ पे, तो वी बी वन माइनस गामा, ठीक है. तो वी सी वन माइनस गामा माइनस वी बी वन माइनस गामा, ठीक है. तो ये आपका प्रोसेस आ गया किसके लिए, डब्ल्यू टू वर्क डन किसके लिए, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए. अब हम करेंगे डब्ल्यू थ्री किसके लिए, आइसोथर्मल कंप्रेशन. आप लोग सिर्फ W1 और W2 लिख लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो नोट्स में समझने में कि W1 और W2 मेरा आया क्या था, ठीक है. तो लिखिए W1 प्रोसेस लिख लिया आपने और W2 प्रोसेस लिख लिया, ठीक है. तो देखिए आगे, थर्ड प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल. ये V था बेटा और ये क्या था आपका T, याद रखना. तभी तो मैंने देखो V के फॉर्म में X कोफिशिएंट और P के फॉर्म में Y कोफिशिएंट, ठीक है. अब देखिए थर्ड है आपका कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है.
आइसोथर्मल कंप्रेशन. तो इसमें भी सेम W3 कैसे निकालोगे, P dV कहां से कहां, VC से VD. ओके यही तो होगा, VC से VD. ठीक है, तो देखिए जब हम VC से VD करेंगे तो भाई फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा, PV इक्वल्स टू R. टेम्परेचर कितना हो गया यहाँ पे आके T2, तो R T2, P इक्वल्स टू R T2 अपॉन V. ठीक है, तो P की वैल्यू रखो उसमें. W3 इक्वल्स टू VC से VD और ये हो जाएगा R T2 अपॉन V dV. ठीक है, तो देखिए R T2 1 अपॉन V dV ये हो जाएगा log V, वही VD अपॉन VC. तो वही सेम देखो उसकी तरह ही आ जाएगा W3, बस फर्क इतना है VD अपॉन VC हो जाएगा उसकी जगह. ये हो जाएगा 2.3 क्योंकि ये बेस E है, इसको 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 RT2 log 10 VD अपॉन VC ये आ जाएगा आपका W3. ठीक है, आ गया W3. अब W3 के बाद W4, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने कल आपको समझा दिए तो आज मैं केवल आपको वर्क डन निकालना सिखा रही हूं. ठीक है, तो चलिए फिर आगे करते हैं. आज मैं ये आपकी यूनिट हो सकेगा तो खत्म करा दूंगी. ठीक है, आगे देखिए फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, अब कौन सा आएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन के बाद में आएगा आपका फोर्थ एडियाबेटिक कंप्रेशन. ओके, एडियाबेटिक कंप्रेशन वही सेम W4, कहां से कहां है, D से A तक, तो P V D से V A तक P D V. तो वही अब आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पहले की तरह ही हम करेंगे, तो पहले की तरह ही क्या, From adiabatic equation, ठीक है, क्या होती है, PV की पावर गामा बराबर K, तो P equals to K V की पावर माइनस गामा. तो इसमें पुट कर दीजिए W4 equals to K V की पावर माइनस गामा DV VD से VA. ओके, तो के तो बाहर आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो V माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन कहां से कहां तक, VD से VA तक. ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए वैल्यू K, ये क्या जाएगा वन माइनस गामा नीचे, ये देखिए VA वन माइनस गामा माइनस VD वन माइनस गामा. आपके पास W1 भी आ गया, W2 भी आ गया, W3 भी आ गया और W4 भी आ गया. That mean अब हमें अगर resultant work done निकालना है तो हम इन चारों को क्या कर देंगे, add कर देंगे. ठीक है, तो चारों को add करने से पहले देखिए आप लोगों ने वो लिख लिया ना W1, W2, W3, W4 ये सारे. ठीक है, तो W1, W2, W3, W4, W1 और W3 सेम थे क्योंकि वो दोनों आइसोथर्मल थे और W2 और W4 भी ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि वो कैसे हैं आपके एडियाबेटिक. ठीक है, तो आगे देखिए अब चार प्रोसेस हो गए जो अभी ऐड हुआ है. क्या नाम है, प्रमोद. प्रमोद थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा लेकिन अब आगे का प्रोसेस देख लेना आप. W1, W2, W3, W4 मैंने चारों प्रोसेस के लिए चार आपके वर्क डन निकाल दिए. ओके, तो आगे देखिए रिजल्टेंट वर्क डन, अब मैं इसको भी हटा सकती हूं. ठीक है, चारों के लिए रिजल्टेंट वर्क डन. आप लोगों के पास नोट्स अवेलेबल है, आप लोग नोट्स ओपन करके भी देख सकते हो. ओके, तो रिजल्टेंट वर्क डन के लिए वही सेम W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4. ओके, तो देखिए
W equals to W1 कितना आया था 2.303 RT1 ln सॉरी log 10 VB upon VA यही आया था ठीक है ना. आगे देखिए W2 कितना आया था 1 माइनस गामा K को अंदर मल्टीप्लाई कर लो K VC 1 माइनस गामा माइनस K VB 1 माइनस गामा ये क्या आया था आपका सेकेंड प्रोसेस W2. ओके W3 देखिए 2.303 R T2 हो गया था ये और ये हो गया था log 10 VD upon VC. ओके ठीक है VD upon VC और फिर आगे जो आया था वो आया था अगेन 1 माइनस गामा K VA 1 माइनस गामा माइनस K VD 1 माइनस गामा. ओके ये आपके चारों प्रोसेस के लिए चार वर्क डन आ चुके थे ठीक है. आपको मैंने पढ़ा तो कर ही दिया था ये सब. ओके आगे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में W इक्वल्स टू 2.303 RT1 एज इट इज log 10 VB अपॉन VA ओके प्लस K VC 1 माइनस गामा K VB 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा ठीक है प्लस 2.303 T2 log 10 VD upon VC इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए केवल इस स्टेप में मैंने इतना किया है तो K VD 1 माइनस गामा माइनस K VA 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस ठीक. आप देखिए आपको पता है बिंदु B जो आपका पॉइंट B था वो यहां था पॉइंट A यहां था ठीक है. तो पॉइंट बी पे मैंने आपको जो बताया था प्रोसेस वो यहां से आपका एडियाबेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो गया था. डेट मीन बी पॉइंट पे जो प्रोसेस लगेगा वो कौन सा प्रोसेस होगा एडियाबेटिक. तो देखिए फ्रॉम एडियाबेटिक प्रोसेस एट पॉइंट बी ठीक है. तो एट पॉइंट बी पे हमें कौन सा प्रोसेस लगाना है एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके देखिए पी बी वी बी गामा इक्वल्स टू के मैंने बताया था आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन होती है और वो कौन से पॉइंट पे ले रहे हैं बी पे तो इसलिए मैंने पी बी वी बी गामा इक्वल्स टू के लिख दिया. अब देखिए आपकी जो बी प्रोसेस है उस पर आपके दोनों ही होंगे यहाँ पे यहाँ से एडियाबेटिक है और यहाँ से पहले क्या है आपका आइसोथर्मल. इतनी हम दोनों ही प्रोसेस के लिए बी पॉइंट पर लगा सकते हैं ठीक है. तो देखिए यहाँ से पी बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा के वी बी माइनस गामा. ओके वी बी ऊपर उधर से जाएगा तो माइनस के गामा. सिमिलरली From real gas, ideal gas equation. Ideal gas equation, B point पे मैंने कहा था ना इस point पे यहां से adiabatic है और यहां पे isothermal है इनकी दोनों ही processes B point पे लग सकती हैं. तो देखिए ideal gas equation क्या होती है PV VB R T1 यहाँ पे temperature कितना था T1 था ना दोनों process के लिए B point पे R T1 ठीक है. तो आपको देखो कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग चैटिंग के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो है ना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है. ओके तो जहां नहीं आए जिस स्टेप से नहीं आए उसी स्टेप से आप बोल सकते हो ठीक है. तो देखिए अब यहाँ पे पीबी की वैल्यू कितनी है इतनी है तो पुट कीजिए के वी बी माइनस गामा और ये ऑलरेडी वी बी तो ये हो जाएगा आर टी वन ठीक है. तो यहां से आ जाएगा के वी बी देखिए वन है तो वन माइनस गामा इक्वल्स टू आर टी
ठीक है. अब ये हो गया आपका बी वन. सिमिलरली सिमिलरली के वी सी वन माइनस गामा आर टी वन, ठीक है, सॉरी आर टी टू. वीसी पॉइंट पे टू स्टार्ट हो गया था, ओके, वीसी पॉइंट पे टू स्टार्ट हो गया था, इसलिए के वी डी वन माइनस गामा आर टी टू. और ए पॉइंट पे क्या होगा, आर टी वन, ठीक है. तो ये मैंने आर टी वन क्यों लिखा है, क्योंकि ए पॉइंट पे कौन सा टेम्परेचर है आपका, आर टी वन, ओके, ठीक है. तो आपके ये चारों आ गए. अब देखिए यहाँ पे आपके पास के वी ए वन माइनस गामा ये है, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, आर टी वन लिखोगे. देखिए पहले वी सी है, के वी सी, के वी सी की जगह आर टी टू, वी बी की जगह आर टी वन, तो आर टी टू माइनस आर टी वन, ठीक है. फिर देखिए के वी डी, इसकी जगह भी आर टी टू, और ये हो जाएगा आपका आर टी वन. तो यहाँ इस प्रोसेस में ये वैल्यूज पुट करनी है हमें, ठीक है. तो देखिए पुट कीजिए, पुट करिए, W इज इक्वल टू देखिए 2.303 आर टी वन लॉग वी बी अपॉन वी ए, ओके, 10 बेस है, प्लस यहां देखिए के वी सी वन माइनस गामा, के वी सी वन माइनस गामा, इसकी जगह क्या लिखोगे, आर टी टू माइनस माइनस के वी बी, के वी बी की जगह आर टी वन अपॉन वन माइनस गामा एज इट इज, ओके. नाउ दिस इज प्लस थ्री स्टेप अगेन 2.303 आर टी टू लॉग ई, सॉरी लॉग 10, 2.303 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वी डी अपॉन वी सी, माइनस साइन माइनस साइन, ओके, के वी डी, वी डी की जगह आर टी टू, और देखिए के वी ए की जगह आर टी वन अपॉन वन माइनस गामा. ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों स्टेप सेम है ना, कैंसिल आउट, ओके, कैंसिल आउट हो गए. कैंसिल आउट होते ही हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, ये बच जाएगा, ये दोनों प्रोसेस, ओके. तो देखिए आगे इसमें, इसे W इज इक्वल टू 2.303 आर टी वन लॉग 10 वी बी अपॉन वी ए माइनस, अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो वी सी ऊपर चला जाएगा, वी डी नीचे आ जाएगा. लॉग की प्रॉपर्टी है, आपको आपको पता है अगर लॉग में माइनस लगा देते हैं तो ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है. तो देखिए 2.303 आर टी टू, टू है ना, लॉग लॉग 10, अब ये ऊपर ये नीचे, क्योंकि 9 माइनस साइन आ गया, तो वी सी अपॉन वी डी, ओके, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बीसी पार्ट बताया था डायग्राम में, जो कि कौन सा पार्ट था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन था, ओके. तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये प्रोसेस था ए से बी, और ये प्रोसेस था बी से सी, फिर आगे ये था डी प्रोसेस एंड दैट्स स्टेप्स, ठीक है. तो देखिए आगे इसमें मैंने आपको क्या कहा था कि आपका ये वाला जो पार्ट है बी सी, ये कौन सा पार्ट है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन पार्ट है, ओके. तो इस पार्ट से देखिए आप लोग, क्योंकि हमें देखो बी और ए, सी और डी के बीच में रिलेशन लाना है, तो हम क्या करेंगे, बी सी के बीच में रिलेशन लेके आते हैं, ओके. तो देखिए यहां से इतना आ गया, ये अभी तक रिजल्टेंट हो गया, ओके, ये सब कैंसिल आउट. तो आप इसको इक्वेशन नंबर डाल सकते हो कोई भी, ओके. आगे देखिए, समझ में तो आ रहा है ना, कहीं पता चले मुझे ऐसे ही बैठे हो, प्लीज टेल मी समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं बेटा, कुछ नहीं किया है, प्रोसेस एक के बाद एक स्टेप्स हैं, W1, W2, W3, W4, फिर उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कैसे आया है ये, ओके. तो देखिए इसमें आगे
थोड़ा सा लंबा है ये वर्क डन, ठीक है। तो अब ये आ गया फाइनली आपके पास, आगे देखिए। देखिए यहाँ पे T1 था, यहाँ T1 था, यहाँ T2 था, ओके ऐसे ही तो था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे BC में, ओके। तो देखिए अब आपको पता है कि PV गामा इक्वल्स टू K होता है किसके लिए, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, होता है कि नहीं। पर ये किस किस के बीच में रिलेशन है बेटा, कि P और V के बीच में। लेकिन अगर यही रिलेशन हमें टी और वी के बीच में निकालना हो, तो टी और वी के बीच में जो रिलेशन आता है वो आता है टीवी गामा माइनस वन इक्वल्स टू के। ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, बस इसमें रिलेशन क्या है, ये टी और वी के बीच में, ये पी और वी के बीच में। अब ये कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूंगी बाद में, ठीक है। तो देखिए आगे, अब देखिए फॉर फर्स्ट डाल दीजिए और इसमें लिख दीजिए फॉर पार्ट बी सी, फॉर पार्ट बी सी, बी सी के लिए, ओके। तो बीसी में देखिए फ्रॉम एडियाबेटिक इक्वेशन, फ्रॉम एडियाबेटिक इक्वेशन, ओके। तो फ्रॉम एडियाबेटिक इक्वेशन में बी पॉइंट पे देखिए टेम्परेचर T1 है, बी पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, देखो यहाँ भी T1, यहाँ भी T1, सी प्रोसेस से तो T2 होगा। तो इस पे क्या है, बी पॉइंट पे T1 है और वी, वी किसका आ जाएगा, बी का। तो VB गामा माइनस वन इक्वल टू के, ठीक है। सिमिलरली C पॉइंट के लिए लिखिए, तो C पॉइंट पे टेम्परेचर T2, VC गामा माइनस वन इक्वल टू के, ओके। इन दोनों इक्वेशन से ये भी K के इक्वल है, ये भी K के, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो डेट मीन T1 VB गामा माइनस वन, T2 VC गामा माइनस वन, ठीक है। आ भी रहा है समझ में या नहीं, कुछ तो बोलिए, आप लोग बोलते ही नहीं हो मेरे से कुछ, तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको आ रहा है या नहीं। बोला करो बेटा, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग बोलोगे तो। तो देखिए इसमें आगे देखिए, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू VC अपॉन VB गामा माइनस वन, ठीक है। तो यहां से VC अपॉन VB की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, T1 अपॉन T2 वन अपॉन गामा माइनस वन, इसको एक कॉन्स्टेंट के बराबर दे दो जिसका नाम है रो, ओके। ये मैंने एक नया कॉन्स्टेंट मान लिया रो, जिसकी वैल्यू क्या है, VC अपॉन VB इक्वल टू T1 अपॉन T2 वन अपॉन गामा माइनस वन इक्वल टू रो, क्योंकि गामा माइनस वन को इधर लेके जाएंगे तो वन अपॉन में हो जाएगा ना, इसलिए बस वही किया है मैंने, ठीक है। तो ये VC अपॉन VB किसके बराबर आ गया, इस रो के, यानी कि इसके, ठीक है। सिमिलरली देखिए फॉर, अब देखिए एडियाबेटिक तो दो ही पार्ट है ना, या तो ये वाला है या ये वाला है, ये भी तो एडियाबेटिक था, बस कंप्रेशन था, इतना फर्क है, ठीक है। तो फॉर सीडी पार्ट में सिमिलरली लिख सकते हो आप लोग, देखो आपका टेम्परेचर कितना है, T1 अपॉन T2 आया है, आया कि नहीं आया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी T2 है और ये टेम्परेचर यहाँ A पॉइंट पे आके कितना हो जाता है T1, तो DA, क्योंकि ये प्रोसेस एडियाबेटिक है, इसी में तो ये वाली इक्वेशन लग सकती है, ठीक है। तो सिमिलरली देखिए T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा माइनस, ये मैंने अपने मन से लिख दिया सिमिलरली इसको देखते हुए, ठीक है। तो देखो जब T1 पे कौन सा पार्ट था, VC, T1 पे VC था और VV T2 है ना, तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, देखिए T1 यहाँ आया है ना, तो T1 के लिए तो D आ जाएगा, यानी कि VD, और T2 के लिए T2 ये है ना, T2 यहाँ टेम्परेचर होगा, T2 के लिए VA, क्योंकि अपोजिट में देखो B पॉइंट पे T1 टेम्परेचर है ना, B पॉइंट पे T1 टेम्परेचर है, तो ये इन्वर्सली आया है ना, सिमिलरली इन्वर्सली आया है, इसलिए यहाँ पे भी ऐसे A पॉइंट पे कौन सा टेम्परेचर है T1, तो VA, तो ये T1, तो मैंने सिमिलरली लिख दिया, ओके। तो यहां से ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, दैट मीन ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो देखिए
जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो यहां से रिलेशन आएगा VC अपॉन VB इक्वल टू VD अपॉन VA, ओके ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ये देखिए VC और VD को जल्दी आओ, VB इधर चला जाएगा VB अपॉन V। अब देखिए रिजल्टेंट में आपके VB अपॉन VA आया था वर्क डन में और VC अपॉन VD आया था, नहीं तो आया था तो देखो रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा W 2.303 RT1 log 10 VB upon VA minus 2.303 RT2 log 10। यहाँ पे जो था ना वो आपका VC upon VD था कि नहीं, तो VC upon VD की जगह हम क्या लिख देंगे VB upon VA, ठीक है। That means यहाँ से आ जाएगा आपका 2.303 ठीक है आर टी वन माइनस टी टू और सब तो सेम है log tan VB upon V, ओके ये हो गया आपका रिजल्टेंट वर्क डन, बट अभी भी नहीं आया रिजल्टेंट वर्क डन, ठीक है। अब देखिए वर्क डन तो रिजल्टेंट आ गया लेकिन हमें निकालनी क्या होती है एफिशिएंसी, क्या निकालनी होती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को निकालने से पहले आप लोग एक बार रीजॉइन कर लीजिए, ओके करिए रीजॉइन।